अब लाउडस्पीकर विवाद से जुड़े अपडेट्स आपको देते हैं। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक लाउडस्पीकर पर आज देशहित में दो बड़ी खबरें हैं। पहला, उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर पर योगी आदित्यनाथ के फरमान के बारे में जल्दी से आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाउडस्पीकर बजाएं लेकिन आवाज परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। उनका निर्देश है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मानने की पूरी पूरी आजादी है। इसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सुनिश्चित करना होगा कि साउंड सिस्टम की आवाज उस धार्मिक परिसर से बाहर ना आए। तो क्या इस फरमान को अजान और कीर्तन पर बैन की कोशिश की तरह समझा जाए, क्योंकि अजान तो लाउडस्पीकर पर ही दी जाती है। खैर, तर्क ये दिया गया है कि दूसरे लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, नए स्थलों पर लाउडस्पीकर की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इसके साथ उत्तर प्रदेश में बिना अनुमति किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा भी नहीं निकाली जा सकेगी। योगी मॉडल से लाउडस्पीकर पर लगाम, मंदिर हो या मस्जिद, योगी का निर्देश सबके लिए समान है। लाउडस्पीकर बजाओ लेकिन आवाज नीचे रखो, इतनी नीचे कि कंपाउंड से बाहर आवाज ना निकले। एक बात और, नई जगह पर लाउडस्पीकर ना लगे। लाउडस्पीकर पर योगी का ये मॉडल देश के इस्लामिक तालीम के अहम संस्थान दारुल उलूम फिरंगी महल को भी कबूल है। हमारे वजीर आला ने धार्मिक आयोजनों को लेकर जिस तरीके की गाइडलाइन और जिस तरीके की हिदायत जारी की है, ये बिल्कुल मुनासिब है। मुझे तो ये बात कहने में कोई मुजायका नहीं कि तमाम सूबों के वजीर आला को सूबे उत्तर प्रदेश के वजीर आला की इन हिदायतों पर अमल करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि हालिया विवादों को लेकर उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी की नेता रूबीना खानम पर कार्रवाई नहीं हुई तो यूपी में कभी भी दंगा भड़क सकता है। ऐसी आशंका क्यों है? इस सवाल का जवाब रूबीना खानम के भड़काऊ बयान को सुनकर आपको मिल जाएगा। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। तो एक तरफ रूबीना खानम और दूसरी ओर महाराष्ट्र में राज ठाकरे जैसे नेता जिन्होंने लाउडस्पीकर विवाद को नए सिरे से हवा दी। विरोध नहीं, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने पहले 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की चेतावनी दी थी और उन्होंने फैसला किया है कि 3 मई को ईद के दिन उनकी पार्टी जगह जगह महाआरती का कार्यक्रम रखेगी। महाआरती के पीछे तर्क ये दिया गया है कि 3 मई को अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है। राज ठाकरे को अगर मंदिर पर भोंगे लगाने हैं तो लगा सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार का परमिशन न लेकर, लेकिन मस्जिद के भोंगे निकालने के राज ठाकरे की भूमिका का हम कठोर विरोध करते हैं। अगर लाउडस्पीकर ही हिंसा की जड़ है, इसी की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो तमाम इबादत गाहों पे जहां पूजा होती है, जो मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा है, उन सबके ऊपर बंद कर दीजिए, एक बार ऐसा भी कानून बना दीजिए। लाउडस्पीकर विवाद पर तनाव अजान या भजन कीर्तन की आवाज से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है, इसीलिए जरूरत इस विवाद को जड़ से खत्म करने की है और हो सकता है कि योगी मॉडल इस दिशा में एक नजीर बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुंबई से लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर ये बड़ी खबर है। मुंबई की मस्जिदों में सुबह की पहली अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको ये भी बता देते हैं कि मुंबई की 72% मस्जिदों में सुबह की अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। दिन की बाकी अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होगा। मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भूले नहीं, लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर ये पूरा विवाद बाहर हुआ। राज ठाकरे ने इसे ये कहते हुए उठाया कि ये सामाजिक मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, और उसी से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। एक तरफ योगी मॉडल और दूसरी तरफ मुंबई में
किस तरह से 72% मस्जिदें जिनमें अब ये कहा जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सुबह की अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद होगा। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।